ऑगस्ट ब्रांड्स द पाइप लाइटर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा कि कैसे अर्नेस्ट के फादर उसकी रिपोर्ट देखते हैं और वो पढ़ते हैं कि उसमें आगे पढ़ते हैं ज्योग्राफी गुड सिविक्स व्हाट आर दे। ज्योग्राफी की रिपोर्ट तो अच्छी है, सिविक्स व्हाट आर दे, लेकिन सिविक्स में यानी कि नागरिक शास्त्र, इसमें ये क्या है अर्नेस्ट? इट्स न्यू सब्जेक्ट, कि ये नया विषय है। डेड द हेड टेक्स अप इन दैट, हमारे जो हेड हैं वो उन्होंने हमें ये दिलाया है। फादर यस बट व्हाट इज इट ऑल अबाउट, लेकिन ये किसके बारे में है? अर्नेस्ट कहता है ऑफ एवरी डे न्यूज एंड पॉलिटिक्स, ये प्रत्येक दिन की एवरी डे न्यूज एंड पॉलिटिक्स, ये प्रत्येक दिन की न्यूज और पॉलिटिक्स के बारे में है। द दैट सॉर्ट ऑफ थिंग द ओल्ड मैन सेम टाइम कॉल्स इट करंट अफेयर। द ओल्ड मैन, हमारा जो टीचर है ओल्ड मैन, वो इसको जो है ना करंट अफेयर्स बोलता है, यानी कि समसामयिक गतिविधियाँ। फादर डज ही, ऐसा बोलता है वो, इट सीम्स टू मी यू कैन गेट ऑल दैट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैं समझता हूँ कि आप तो इसकी सब बातें अखबार से भी प्राप्त कर सकते हो। हाउ एवर ही सेज हेयर यू टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, हालांकि वो कहते हैं कि इससे आपका एक बुद्धि का एक बढ़िया रोचकता, बुद्धि की रोचकता पा सकते हो आप इसमें। सो आई सपोज वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर स्मॉल मर्सीज, तो मैं समझता हूँ कि हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए उसकी दया के लिए। व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है? ओ लैटिन नॉट मच यूज फॉर इट माई सेल्फ, लेकिन इसका तो हमारे लिए कोई विशेष फायदा नहीं है। नॉर हैव यू, ना ही आपके लिए। इट सीम्स ओनली फेयर योर रिपोर्ट सेज, इसमें आपकी रिपोर्ट भी फेयर है। अर्नेस्ट बट फादर नो नीड टू अपोलाइज, कोई खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स ए डेड लैंग्वेज एनी हाउ, कोई ये बिल्कुल जो है ना मृत भाषा है, बेकार की भाषा है। नो कमर्शियल वैल्यू वाट एवर कट इट आउट, कोई इसकी व्यापारिक महत्व भी नहीं है, कट इट आउट, इसको रहने दो। अर्नेस्ट आई कैन नॉट टिल आई एम इन द फिफ्थ, मैं नहीं छोड़ सकता इसको क्योंकि मैं अभी फिफ्थ में हूँ। फादर पीटी, ओहो बड़ी दयनीय बात है। यू माइट बी डूइंग समथिंग मोर यूजफुल, तुम और कुछ अच्छा कर सकते हो। स्टिल आई रिकॉग्नाइज द स्कूल मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल टेस्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्कूल को सभी टेस्ट यानी कि सब क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए, सब क्षेत्रों के लिए उपलब्धता, सभी फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए। व्हाट इज दिस नाउ, ये क्या है? ओह मैथमेटिक्स, आई एम ग्लैड दे पुट अर्थमेटिक फर्स्ट, मैं खुश हूँ कि उन्होंने पहले अर्थमेटिक रखा है। गुड हेवंस, शुक्र है। यू हैव एक्चुअली गॉट ए हाईली सेटिस्फैक्ट्री, तुमने तो अच्छी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, हाईली सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट पाई है। आई थॉट यू वर ए फूल एट द सब्जेक्ट, मैं समझता हूँ कि तुम तो इस विषय में बिल्कुल मूर्ख थे, फूल थे। अर्नेस्ट कहता है हैरान होकर, सरप्राइज सो डिड आई, ऐसा ही मैं समझता हूँ। इट मस्ट बी ए मिस्टेक, आई मीन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। फादर वेल ठीक है, योर मास्टर ऑट टू नो, ये तो तुम्हारे टीचर जाने। आई कांट इमेजिन ही वुड गिव यू प्रेज फॉर डूइंग वेल इफ यू हैड नॉट, मैं नहीं समझता कि वो बेवजह आपको प्रेज प्रशंसा करेंगे जो आपने किया ही नहीं उसके लिए। अर्नेस्ट कहता है नो बट, ऐसा नहीं है लेकिन फादर यू आर एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर नॉट सो बैड आइदर, तुम्हारे एलजेब्रा और ज्योमेट्री ज़्यादा बुरी नहीं है। आई एम बिगिनिंग टू थिंक यू हैव चेंज फॉर द बेटर, मैं समझता हूँ कि तुम भविष्य के लिए बदल रहे हो, आगे के लिए तुम बदल रहे हो। अर्नेस्ट व्हाट हैव दे गिवन मी फॉर आर्ट एंड वुडवर्क, कि उन्होंने मेरे को आर्ट और वुडवर्क के लिए क्या दिया है। डैड दे आर माई बेस्ट सब्जेक्ट्स, वे तो मेरे सर्वप्रिय सब्जेक्ट हैं, आर्ट कला है। फादर कहते हैं एग्जामिनिंग रिपोर्ट देखते हुए, ओ यू थिंक सो डू यू, तुम ऐसा सोचते हो ये फेवरेट सब्जेक्ट हैं, देन यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, फिर आपको निराशा होगी। इट सेज हेयर यू आर ओनली फेयर इन बोथ, इसमें तो केवल फेयर रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट आई है। नॉट दैट इट मैटर्स ऑल दैट मच, इसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। एनी फुल कंट्रो एंड यूज ए स्क्रू ड्राइवर,
कोई मूर्ख भी ये सब बना सकता है और स्क्रू ड्राइवर चला सकता है। अर्नेस्ट कहता है बट आई एम द बेस्ट इन द फॉर्म एट ड्राइंग, लेकिन मैं तो अपनी कक्षा में सबसे यानी सबसे अच्छा हूँ ड्राइंग में, एंड आई हैव डन एवपुली वेल एट वुड वर्क दिस टर्म, और इस टर्म में मैंने वुड वर्क में बहुत अच्छा किया है। वुड वर्क क्या होता है, नक्काशी का काम, लकड़ी से खुदाई वगैरह का काम। फादर कहता है वेल हेयर इट इज इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटन, अरे ये सब तो लिखा हुआ है मैं क्या कर सकता हूँ। यू कांट गो बियॉन्ड द मार्क्स, तुम अंकों से आगे नहीं जा सकते। 40% इन आर्ट एंड 39% इन वुड वर्क, 40% आपको आर्ट में आए हैं और जो वुड वर्क है उसमें आपको 39% आया है। अर्नेस्ट कहता है परेशान होकर के इट बीट्स मी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। फादर भाई बरे चिंता क्यों करते हो, इट इज़ अ कमर्शियल सब्जेक्ट दैट काउंट, कि केवल कमर्शियल सब्जेक्ट की ही तो गिनती होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम क्वाइट प्लेज्ड विद दिस रिपोर्ट, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं खुश हूँ तुम्हारी रिपोर्ट से। इट शोज यू आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड यूर ड्यूटी, मैं समझता हूँ तुम अपना कर्तव्य समझने लगे हो। हेयर इज हाफ ए क्राउन फॉर यू, ये लो एक आधा क्राउन, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है या 10 रुपये या 100 रुपये होते हैं वैसे वहाँ बड़ा सिक्का है, ये क्राउन है। वो कहते हैं कि ये लो आधा क्राउन, एंड डोंट स्पेंड इट वेस्टफुली, बेकार में खर्च मत करना। अर्नेस्ट थैंक यू डैड, धन्यवाद डैड। टेक्स कॉइन जस्ट एज द डोर ओपन टू एडमिट अंकल, 1 क्राउन जैसे 1 डॉलर होता है अपने 75 रुपीज़ के आसपास, तो ऐसे ही वो उनको एक क्राउन मिला है। टेक्स कॉइन जस्ट एज द डोर ओपन टू एडमिट अंकल टॉम, उसी समय वो कॉइन ले लेता है और दरवाज़ा खुलता है, अंकल टॉम आते हैं। अंकल कहता है गुड इवनिंग, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली, मैं शायद जल्दी नहीं आया। फादर कहता है यू आर जस्ट इन टाइम टू सी अर्नेस्ट रिपोर्ट, तुम बिल्कुल समय पर आए हो अर्नेस्ट की रिपोर्ट देखने के लिए। सिट डाउन, बैठो एंड टेक ए लुक एट दैट, और उसको देखो। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ यू नेवर गॉट वन लाइक इट, कि आपको आज तक ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं मिली होगी। अंकल कहता है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ व्हाई यू वर थ्रोइंग हाफ क्राउन क्राउन्स अबाउट, कि वरना तुम हाफ क्राउन क्यों फेंक रहे थे, क्यों दे रहे थे। मैं भी इसलिए रहा हूँ। टैक्स रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लेते हैं, सिट्स इन आर्म चेयर, आर्म चेयर में बैठ जाते हैं, पुट्स ऑन हिज स्पेक्टेकल, चश्मा लगाते हैं एंड लुक्स क्विकली डाउन द पेपर, और पेपर को देखते हैं। फादर वेल अंकल यू आर राइट, आई नेवर डिड, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी रिपोर्ट। सीम्स टू मी यंग मैन यू हैव टर्न इंटू ए बुक वॉर्म, अरे तुम तो बिल्कुल किताबी कीड़े बन गए हो। व्हाट इज हैपन टू यू, बुक वॉर्म क्या होता है, बुक वॉर्म किताबी कीड़ा, तो तुम तो बिल्कुल किताबी कीड़े बन गए हो। वाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हो गया है। अर्नेस्ट कहता है अनकम्फर्टेबली, परेशान होकर के, डोंट नो आई एम श्योर अंकल, मैं नहीं जानता अंकल कि क्या हुआ है। फादर ही हैज बिगन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वर्क, उसे काम का महत्व समझ आ गया है। आई होप, मैं समझता हूँ। लुक एट द वॉच, घड़ी को देखो। लुक हियर, यू मस्ट एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज एस ए फ्यू मिनट, माफ़ करना कुछ मिनट के लिए। थॉमस आई वॉन्ट अर्नेस्ट टू हेल्प मी गेट सम लेटर्स ऑफ, मैं चाहता हूँ कि अर्नेस्ट मेरे साथ आए और कुछ पत्थर लाने में मेरी सहायता करें। एंड द पोस्ट गोज एट 7:15, क्योंकि 7:15 पर डाक निकल जाएगी। अंकल कहता है दैट्स ऑल राइट, ठीक है, डोंट माइंड मी, मेरी परवाह मत करो। फादर कहता है हेल्प योर सेल्फ टू सिगरेट, तुम आराम से सिगरेट पियो। पॉइंट्स टू बॉक्स ऑन टेबल, कम ऑन माई बॉय, आओ वी मस्ट हरी, हम जल्दी चलते हैं। गोज आउट फॉलोड बाई अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के साथ जो है वो बाहर जाता है। अंकल टेक्स ए सिगरेट, अंकल एक सिगरेट लेते हैं, लाइट सीट इसे जलाते हैं, एंड देन एग्जामिन्स रिपोर्ट अगेन, और दोबारा रिपोर्ट को चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण कर। विस्लिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर सीटी बजाते हुए इन सरप्राइज हैरानी से एंटर मैरी, इसी समय मैरी आती है, शोइंग इन ए स्कूल बॉय हु वेयर्स ग्लासेस, उसके साथ एक स्कूल का लड़का है जो चश्मे पहने हुए हैं। ही इज अबाउट अर्नेस्ट एज, वो अर्नेस्ट की ही उम्र का है। मैरी कहती है आई एम सॉरी सर, माफ़ करना श्रीमान जी, आई थॉट द मास्टर वाज हियर, मैं सोचा कि मालिक यहाँ है।
अंकल कहते हैं ही इज वेरी बिजी जस्ट नाउ, वो अभी व्यस्त हैं। मेरी एनीथिंग आई कैन डू, मेरी मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। स्टूडेंट थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं, बड़ा चैप्टर है। मेरी आई डोंट नो सर, श्रीमान जी मैं नहीं जानती। दिस यंग जेंटलमैन सेड ही वांटेड टू सी मिस्टर रायलैंड स्मिथ और मास्टर अर्नेस्ट। ये जो जवान लड़का है ये कहता है कि वो मिस्टर रायलैंड स्मिथ या अर्नेस्ट से मिलना चाहते हैं। अंकल कहते हैं ऑल राइट, ठीक है मेरी, इफ़ आई कांट हेल्प हिम आई विल कीप हिम कंपनी टिल योर मास्टर रिटर्न। यदि मैं उसकी सहायता नहीं कर पाता हूँ तो मैं जब तक तुम्हारे मालिक नहीं आते उसका साथ दूंगा। मेरी कहती है थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, और चली जाती है। बॉय कहता है एक्सक्यूज मी बट आर यू, माफ़ करना क्या आप। अंकल कहते हैं आई एम अर्नेस्ट अंकल, मैं उसका चाचा जी हूँ। इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू नो, यदि तुम यही चाहते हो तो। बट सिट डाउन, बैठिए एंड टेल मी इफ आई कैन बी ऑफ एनी यूज, कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। बॉय कहता है वेल यू सी, हाँ तुम देखते हो, इट्स अबाउट माई स्कूल रिपोर्ट, मैं स्कूल रिपोर्ट के बारे में बातें करना चाहता हूँ। वी थिंक देयर हैज़ बीन सम मिस्टेक, हम समझते हैं कि कोई गलती हुई है। अंकल कहते हैं डियर मी हाउ डिड दैट हैपन, कैसा कैसे क्या हुआ। बॉय कहता है सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट, और रिपोर्ट पेश करते हुए। यू सी, आप देखते हैं, इट्स लाइक दिस, ऐसा है, माई नेम इज एडवर्ड रोजर स्मिथ, मेरा नाम है एडवर्ड रोजर स्मिथ, एंड आई एम इन द सेम फॉर्म एज अर्नेस्ट, और मैं उसी कक्षा में हूँ जिसमें अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट रायलैंड स्मिथ, ओनली आई एम प्लेन स्मिथ एंड ही इज हाइफनेटेड। उसका नाम क्या है, अर्नेस्ट रोजर स्मिथ, और इसका नाम क्या है, अर्नेस्ट रायलैंड स्मिथ। अंकल कहते हैं ही इज व्हाट, तो क्या हुआ। बॉय यू नो, आप जानते हैं ही हैज गॉट ए डैश बिटवीन रायलैंड एंड स्मिथ, उसमें तो रायलैंड और स्मिथ के बीच में क्या आया है, डैश आया है, रायलैंड एंड स्मिथ के बीच में डैश आया है, और उसमें क्या आया है, उसके बारे में आया है एडवर्ड रोजर स्मिथ आया है, यानी उसमें भी स्मिथ आया है, उसमें क्या आया है, अर्नेस्ट रायलैंड स्मिथ और वो एडवर्ड रोजर स्मिथ, दोनों में ये स्मिथ आया है, दोनों का नाम आगे से एक जैसा है, यू नो उसमें एक डैश आया है। अंकल कहता है आई सी, कौन आगे बढ़ो। बॉय कहता है वेल ओल्ड जोना दैट आवर फॉर मास्टर नेवर ट्रबल्स टू पुट आवर फुल नेम, जो ओल्ड जोना है हमारे जो कक्षा के मास्टर हैं टीचर हैं वो नेवर ट्रबल्स टू पुट हमारा पूरा नाम कभी नहीं लेते, वो बल्कि क्या कहते हैं ERS, वो हमें क्या कहते हैं ERS एडवर्ड रायनल स्मिथ एडवर्ड रोजर स्मिथ एडवर्ड रायनल स्मिथ एडवर्ड रोजर स्मिथ, ये दो नाम है, दोनों में आगे क्या है ERS, तो इससे क्या हुआ कन्फ्यूजन हो गया, यानी कि रिपोर्ट आपस में एक्सचेंज हो गई, उसकी रिपोर्ट उसके पास चली गई, उसकी उसके पास, सो ही इज़ वेरी लाइकली मिक्स्ड अप, आई होप सो, मैं समझता हूँ कि मेरी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है। अंकल कहते हैं भाई इज योर रिपोर्ट सो वेरी बैड, क्या आपकी रिपोर्ट इतनी बुरी है। बॉय कहते हैं इट कैन नॉट बी माइंड, ये मेरी नहीं हो सकती, दैट्स जस्ट व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। अंकल कहते हैं वेल द वन दैट वाज सेंट टू यू हु ओवर इट बिलोंग टू, तो तुम्हारी जो है वो किससे संबंध रखती है। बॉय इट वाज बैड एनफ फॉर डैड टू से ही हैड कट माई पॉकेट मनी फॉर ए मंथ, कि उसने कहा कि ये रिपोर्ट इतनी बुरी है कि डैड ने मेरा एक महीने की पॉकेट मनी ही काट दिया है। अंकल कहता है दैट्स बैड लक, तो बहुत बुरा हुआ। वेल आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू आर राइट, मैं हैरान नहीं रहूँगा यदि तुम सही हो। अबाउट यूर गेटिंग मिक्सड अप विद यंग अर्नेस्ट, कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि अर्नेस्ट से उसकी मिक्सअप हो गई है। सपोज यू शो मी यूवर्स, तो मुझे तुम अपने दिखाओ एंड टेक ए लुक एट दिस, और ये लो तुम इसको देखो। बॉय उस रिपोर्ट को देखता है, दिस इज माइन आई एम श्योर ऑफ इट, मैं पक्का कहता हूँ कि ये मेरी रिपोर्ट है। अंकल वट मेक्स यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। बॉय कहता है लुक आई हैव डन प्रेटी वेल इन एवरी थिंग एक्सेप्ट आर्ट एंड वुड वर्क, कि मैंने आर्ट एंड वुड वर्क के अलावा सभी में अच्छा किया है। एंड दोज आर द ओनली सब्जेक्ट रायलैंड स्मिथ इज गुड एट, और इन दो सब्जेक्ट्स में ही रायलैंड स्मिथ अच्छे हैं, जिसमें रिपोर्ट अच्छी उसकी। अंकल कहता है आई शुड नॉट वंडर इफ यू आर राइट, मुझे हैरानी नहीं यदि तुम सही हो तो। पेपर को देखता है यस आई एम अफ्रेड यू आर राइट, कि तुम ठीक हो। वेल देर इज़ ओनली वन थिंग फॉर इट, इसके लिए एक ही बात है, वी मस्ट चेंज देयर आवर, कि हम रिपोर्ट बदल लेते हैं।
बॉय डू यू मीन आई कैन कीप दिस, तुम कहना चाहते हो कि ये रिपोर्ट मैं रख लूँ? अंकल कहता है ऑफ कोर्स निशंदे, इट्स क्लियरली योर्स, ये अवश्य तुम्हारी ही है। बॉय कहता है थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, आई एम सॉरी इफ राइल एंड स्मिथ इज गोइंग टू डिसअपॉइंटेड, मैं हैरान हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि राइल एंड स्मिथ इससे निराश होंगे, बट यू डोंट नो माई फादर, लेकिन तुम मेरे फादर को नहीं जानते। अंकल कहता है नो बट आई नो अर्नेस्ट, लेकिन मैं अर्नेस्ट के फादर को जानता हूँ। हाउ एवर आई बिलीव द बॉय सस्पेक्ट समथिंग ऑलरेडी, लेकिन लड़का पहले ही जो है ना शक कर रहा है। एंड यू कैन लीव हिज फादर टू मी, और उसके पिता को मेरे पर छोड़ दो तुम। बॉय रिलीव्ड, आराम महसूस करता है, थैंक यू सर, श्रीमान जी धन्यवाद, गुड नाइट अंकल, गुड नाइट बॉय, योर पॉकेट मनी ऑट टू बी सेफ नाउ, अब तुम्हारा पॉकेट मनी आराम से बच जाएगा। बॉय कहता है आई होप सो सर, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ही गोज आउट, वो चला जाता है। अंकल टेक्स अप रिमेनिंग रिपोर्ट एंड एग्जामिन्स इट अगेन, अंकल बाकी रिपोर्ट को लेते हैं और दोबारा से उसका निरीक्षण करते हैं। सिरे हिलाते हुए वो उसको होल्ड करते हैं और उसका एक पाइप लाइटर बना देते हैं उस रिपोर्ट का जो टेबल पर रखी हुई थी। ही सिगरेट नाउ स्मोक थ्रो, अब सिगरेट तेज़ी से जलने लग जाती है, और ही थ्रोज इट ऑन द फायर, और वो आग पर फेंकते हैं एंड फिल से पाइप और पाइप भर लेते हैं। ही हैज जस्ट फिनिश्ड एंड पुट द पाइप इन हिज माउथ, उसने समाप्त करके पाइप को माउथ में रखते हैं। व्हेन अर्नेस्ट एंटर, उस समय अर्नेस्ट आता है रिपोर्ट, उसके हाथ में कुछ लिफाफे हैं। अर्नेस्ट कहता है एनीथिंग फॉर द पोस्ट अंकल, अंकल क्या कोई डाक है आपकी? अंकल कहते हैं नो थैंक्स माई बॉय, धन्यवाद, आई रेयरली राइट लेटर, मैं कभी मुश्किल से कभी कभार पत्र लिखता हूँ। ही टेक्स द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लेते हैं, पुश इट इन द फायर, उसे आग में डाल देते हैं, एंड स्टार्ट्स लाइटिंग हिज पाइप, और अपने पाइप को जलाना शुरू कर देते हैं। अर्नेस्ट कहता है सडन देखते हुए व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? अंकल कहते हैं ओनली सेविंग माचिस, मैं केवल अपनी माचिस बचा रहा हूँ। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? अर्नेस्ट कहता है बट दिस माय रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट है भैया। तो अंकल कहता है पेपर जलाते हुए हेवन सो इट इज, और बात ये तुम्हारी थी या नहीं? आई मस्ट बी गेटिंग अपस्टैंड माई एडेंट इन माई ओल्ड एज, इस ओल्ड एज में मेरा दिमाग कुछ अपसेट रहता है, अपसेंट रहता है। वेल इट इज़ नो गुड नाउ आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं समझता हूँ अब इसका कोई फायदा नहीं। वो उसको आग में फेंक देता है रिपोर्ट को। अर्नेस्ट यू वुड नॉट हाफ गेट इन टू ट्रेवल वेन डेड कैम्स, अर्नेस्ट कहता है कि तुम जो है ना मुसीबत में नॉट हाफ गेट इन टू, यानी कुछ मुसीबत में आओगे जब डेड आते हैं तो। अंकल कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज गेटिंग इन टू हॉट वाटर, मैं हमेशा ही मुसीबत में रहता हूँ, यानी गर्म पानी से खेलता हूँ। आफ्टर ऑल एक्सीडेंट विल हैपन, आई से अब वो घड़ी की ओर देखते हैं, इज नॉट इट क्लियरली फर्स्ट टाइम, कि अब डाक का समय नहीं हो गया है? अर्नेस्ट कहता है आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द पोस्ट, मैं डाक के बारे में भूल गया हूँ। आई मस्ट रश, मुझे भागना चाहिए, दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। अंकल बी द वे, बाय द वे, अर्नेस्ट कहता है यस अंकल, अंकल आई शुड नॉट बी टू लॉन्ग स्पेंडिंग दैट हाफ क्राउन, कि मैं उस आधे क्राउन को खर्च करने में इतना समय नहीं लेता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, योर फादर माइट वांट इट बैक, तुम्हारे पिता इसे वापस ले सकते हैं। अर्नेस्ट कहता है ही हैज नॉट गॉट ए होप, कि उसने अभी ऐसी आशा नहीं की है। ये हरे डब्बो जल्दी ही दौड़ता है, पर्दे गिर जाते हैं। ये था बच्चों कि अंकल को पता लग जाता है कि ये रिपोर्ट कैसे एक्सचेंज हुई है, और वो रिपोर्ट को जला देते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी चाहिए और ऐसे अगले रिपोर्ट पेश करने से बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।